हेलो फ्रेंड्स, बरसात का सीज़न चालू होने वाला है और जिन लोगों के पास भी स्क्रैम्बलर बाइक और कैफ रेसर बाइक है उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज पीछे से इतना कीचड़ आता है कि आपके कपड़े और आपके बैग सब इतने गंदे हो जाते हैं कि आप मतलब बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बाइक के लिए कैसा मडगार्ड लगाऊं, मतलब जो पानी भी रोक ले और लुकिंग भी बहुत अच्छा लगे। फिर मैंने काफ़ी गूगल पर सर्च किया तो इसके लिए एग्जैक्टली मुझे मडगार्ड नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज स्टार सिटी बाइक है तो कंपनी इसका कोई ऐसा मडगार्ड नहीं बनाती अलग से जो कीचड़ रोक पाए। तो मैंने खुद सोचा कि इसका कुछ ऐसा मडगार्ड लगाएं जो मैं मानसून सीज़न में लगा सकूं और जब रेनी सीज़न चले जाए तो मैं उसको हटा भी सकूं। सो मैंने कुछ यहाँ पर कुछ बेल्डिंग कराई है ऐसी कुछ, इससे मेरा दोनों तरफ इससे मेरा मडगार्ड लग जाएगा इजीली। और मैं आपको मडगार्ड भी शो करता हूँ जो मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये है वो मडगार्ड जो इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, और ये पल्सर का मडगार्ड है जो यही लगता है। मुझे इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, बिकॉज चेंजेस मुझे ये करना है इसमें कि ये मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा, बिकॉज मेरे इसमें इतना गैप नहीं है। और मुझे पता है कि जब ये कोई ब्रेकर वगैरह कुछ आएगा तो इसमें टूट सकता है। मुझे इसके लिए जो होल है इसकी जगह मुझे यहाँ एक्स्ट्रा होल करने पड़े। वैसे सबकी बाइक में अलग अलग सिस्टम रहता है मुझे पता है, बिकॉज ये मॉडिफाइड बाइक है तो मुझे इसमें यहाँ होल करने पड़ेगा, इसको मतलब यहाँ से काटना पड़ेगा। तो मैं इसको कट करके आता हूँ। मंडार में जो करेक्शन करनी थी वो मैंने करेक्शन कर लिए हैं, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसा लगेगा। मैं आपको पास से देखूँ कैसा लगा। और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, 150 से 200 रुपये तक का है, किसी भी बजाज की शॉप पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे बजाज के स्पेयर पार्ट मिलते हैं। मैंने बाहर से इस क्लिप को कुछ ऐसा इसलिए बिल्ड करा है बिकॉज ये मडगार्ड यहाँ पर जो है ये समथिंग यहाँ पर आ जाता और ये समथिंग इधर आ जाता। सो मुझे जो कीचड़ रोकना था उसके लिए मुझे इसको पूरा हाइट देनी पड़ी इस क्लिप को, जिससे मडगार्ड पीछे की तरफ आ जाए। ये भी थोड़ा पीछे आ गया एंड अब बिल्कुल भी कीचड़ नहीं आ रहा और इजीली खुल जाता है और इजी इंस्टॉलेशन है, कोई परेशानी भी नहीं है। पहले बहुत दिक्कत होती थी बाइक चलाने में पर अब ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये बाइक आपको बहुत अच्छी लगी है या ठीक लगी कैसी भी लगी है, अगर आपको इसका ओवरऑल वीडियो देखना है तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको फुल वीडियो बना के दिखाऊँगा इस बाइक का कि मैंने इसको कैसे लॉकडाउन में मैंने इस बाइक को घर पर ही बनाया है।